चलो प्रूफ करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। प्रूफ करते हैं। सोशल मीडिया के इस चकाचौंध दुनिया में आपने ऐसे बहुत से कपल देखे होंगे जिनका रिश्ता प्यार से शादी तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको सोशल मीडिया के ऐसे कपल से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने सच्चा प्यार भी किया और अपने प्यारे से रिश्ते को शादी तक भी पहुंचाया। वो हैं आप सभी के फेवरेट पीजे और दिव्या उपाध्याय। आज इनका खुद का आलीशान घर, गाड़ी और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। आज इनकी सफलता से हर कोई वाकिफ है। लेकिन इनके जीवन का एक टाइम ऐसा था कि जब इन्हें कोई भी वीडियोस बनाने के लिए सपोर्ट नहीं करता था और कोई नहीं जानता था कि आज ये इतने ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो कैसे हुए आज ये इतने ज़्यादा सफल और क्या है इनकी लव स्टोरी? तो आज की इस वीडियो में आप इनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू इनकी लव स्टोरी और कुछ ऐसे अनसुने राज जानने वाले हो जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको भी पीजे और दिव्या की जोड़ी पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में #PJLoveDivya जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को इनके लिए जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मैं ये प्यारी सी वीडियो शुरू कर दी हूँ। November 13, 1996 को भोपाल के आश्रा के हिंदू ब्राह्मण फैमिली में एक बहुत क्यूट बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज आप दिव्या उपाध्याय के नाम से जानते हैं। दिव्या अपनी फैमिली में लाडली बेटी थी। इनकी फैमिली में मम्मी, पापा, दो बहन और एक भाई हैं। दिव्या ने अपने स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही की है लेकिन अपने कॉलेज की पढ़ाई इंदौर के MB खालसा कॉलेज से की हुई है। दिव्या पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थी लेकिन इनका मन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और डांस में लगता था, जिसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज के एक फंक्शन में डांस किया था और उस डांस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया था। ये बात 2016 की है। तब से यूट्यूब पर वो अपनी डांस वीडियोस डालने लगी लेकिन इनकी डांस वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी। जहां एक तरफ दिव्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर यूट्यूब पर वीडियोज़ डाल रही थी, टैलेंट होने के बाद भी वो वायरल नहीं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनकी फैमिली इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो चाहती थी कि दिव्या पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले लेकिन दिव्या की किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली थी। दिव्या की किस्मत कब और कैसे बदली इसको जानने से पहले आइए इनके बॉयफ्रेंड पीजे उर्फ पंकज जोशी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल तुम्हारी विदाई है, जितना मन करे उतना रो लेना क्योंकि ये मौका मैं जिंदगी में दोबारा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। 13 मई 1995 को राजस्थान के एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसे आप पीजे और पंकज जोशी के नाम से जानते हैं। पंकज जोशी की अगर फैमिली की बात करें तो इनकी ज्वाइंट फैमिली है। इनकी फैमिली में बहुत ढेर सारे लोग हैं। पीजे के जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी फैमिली इंदौर शिफ्ट हो गई, इसलिए पंकज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों इंदौर से किया हुआ है। लोगों को ये लगता है कि पंकज जोशी ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की है लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत 2011 में यूट्यूब पर एल्बम सॉक पर एक्ट करके शुरुआत की थी लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिल रही थी तो इन्होंने 2018 में टिकटॉक पर वीडियोज बनाना शुरू कर दिया था। ये लिपसिंग नहीं करते थे, ये यूनिक कॉन्टेंट बनाते थे। इन्होंने कई लड़कियों के साथ वीडियोज बनाया लेकिन इनको सफलता नहीं मिल रही थी। इनको सोशल मीडिया पर कैसे सफलता मिली आइए वो जानते हैं। उसका बहुत बड़ा फैक्टर है दिव्या। दिव्या आज सफल हैं तो वो मानती हैं वो पीजे की वजह से हैं और पीजे आज सफल हैं तो वो मानते हैं कि वो दिव्या की वजह से हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपने लिए लकी मानते हैं। वो कैसे आइए मैं आपको पूरी कहानी समझाती हूँ। सनी कालरा उस टाइम टिकटॉक के फेमस इन्फ्लुएंसर थे और इन दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड थे। पीजे टिकटॉक पर यूनिक कॉन्टेंट के लिए जाने जाते थे। मदर्स डे स्पेशल उन्हें एक कंटेंट बनाना था जिसके लिए उन्हें एक लड़की चाहिए थी। सनी कालरा के साथ दिव्या वीडियोस बनाती थी तो उन्होंने दिव्या को पार्क में देखा था तो उन्हें ये लगा कि मेरे कंटेंट के लिए ये लड़की परफेक्ट है। उन्होंने सोचा बात कर लूँ लेकिन दिव्या तब तक वहाँ से जा चुकी थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे दिन जब दिव्या वहाँ पर वीडियोज़ बनाने आई तो पंकज ने उनसे बात की। जब पीजे ने उनसे बात की तो दिव्या तैयार हो गई। दोनों ने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद इन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट में डाला
जैसे ही इन्होंने टिकटॉक अकाउंट में डाला, वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई और मिलियंस ऑफ व्यूज ले आई। ये वीडियो इन दोनों के करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद इन दोनों ने और वीडियो साथ में बनाए और वो वीडियो भी लगातार वायरल होने लगी और बहुत जल्दी टिकटॉक पर इन्होंने 10 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। लोग इन्हें एज अ कपल बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और वीडियोस बनाते बनाते ये दोनों दोस्त बने और दोस्ती के बाद इनका रिश्ता प्यार में बदल गया। ये दोनों ही ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, जिसके कारण इनकी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आई। इनकी फैमिली भी इनके रिश्ते के बारे में शुरू से जानती थी और इस रिश्ते के लिए वो राजी थी। अगर इनके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स की बात की जाए तो वहीं पीजे के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोवर्स है, दिव्या के 3 मिलियन फॉलोवर्स है। इन्होंने अभी यूट्यूब पर ब्लॉग चैनल खोला है, जहां पर बहुत जल्दी इन्होंने 2 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। यहां पर ही अपने ब्लॉग्स और शॉर्ट डाला करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिव्या और पीजे का यही एक यूट्यूब चैनल नहीं है, इनके 4 यूट्यूब चैनल हैं, जहां पर इन्होंने गोल्डन प्ले बटन भी पा लिया है। सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण ये सोशल मीडिया से आसानी से 5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। और यही कारण है कि इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपना ड्रीम हाउस बना लिया है और ड्रीम हाउस बनाने के बाद 16 जनवरी 2024 को इन्होंने शादी कर लिया और अपने प्यार को अपनी शादी के मंजिल तक पहुँचा दिया। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको अपना प्यार मिलता है। तो पीजे और दिव्या, आपको इस शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि पीजे और दिव्या के पास ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी पीजे और दिव्या, अपने लाइफ में आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। इसी विश के साथ हम इस वीडियो को यहीं करना चाहेंगे। बाकी आपको इनके बारे में कुछ और भी पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, और कोई शिकायत करनी हो या कोई बात बतानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस पहुँचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकन पर और पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।